नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ तुरई और सोयाबीन बड़ी की सब्जी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो तुरई, जिन्हें मैंने छील कर पानी से अच्छे से धो लिया है और इसके बाद इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और इसके साथ ही हमें चाहिए यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और सोया चंक्स। यहाँ पे मैंने सोया चंक्स को भिगोया नहीं है, मैं इन्हें पानी से धोकर सीधे ही यूज़ करूँगी। क्यों, उसका रीज़न मैं आगे बताऊँगी वीडियो में। और टमाटर भी मैं स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करूँगी, मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊँगी कि टमाटर को हमें कहाँ पर यूज़ करना है। तो अब कढ़ाई में मैंने यहाँ पे लिया है घी, इसे गर्म कर लेंगे। और घी जो है यहाँ पे टेस्ट बहुत रेसिपी को बहुत टेस्टी बनाएगा। कहते हैं ना, और तो कहावत है, घी बनावे तो रही तारीफ बहु की होए। तो यहाँ पे घी अपना कमाल दिखाने वाला है। तो अब इसमें मैंने डाला है साबुत जीरा, हींग से मैंने तड़का लगाया है। तो अब इसमें, इसके बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। अब इसे हम स्लो मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक भूनेंगे। ध्यान रखिए, जो फ्लेम रहेगी वो स्लो मीडियम ही रहेगी। अब इसमें ऐड करें सोया चंक्स, जो कि मैंने सीधे डायरेक्टली पानी से सीधे धोके मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैंने इन्हें, नहीं तो हम जनरली क्या करते हैं कि इन्हें गुनगुने पानी में नमक डालकर थोड़ी देर के लिए इन्हें भिगोते हैं, फिर उसके बाद उनको स्क्वीज़ करके निचोड़ के उन्हें हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम सब्ज़ी बना रहे हैं वो जो यहाँ पर सोया चंक्स है, इनका हमने कॉम्बिनेशन रखा है तुरई के साथ। तो तुरई जो है उसमें पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो पकते पकते तुरई जो है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। तो वैसे भी हमें तुरई का पानी सुखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बढ़िया है, उसके साथ हमने सोया चंक्स यूज़ किए हैं, तो वो क्या करेंगे, उस पानी को जो तुरई ने छोड़ रखा है उसे एब्जॉर्ब करेंगे और ईजीली कुक हो जाएंगे। तो ऐसे मतलब सोया चंक्स आप ये ना सोचें कि हार्ड रह जाएंगे, पकेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे भी हम लगभग आधा मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। अब मसाले में मैंने डाला इसमें आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हमने डाला है 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। और इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे अभी, तो इसे हम थोड़ी सा पका लेंगे मसालों को। और मसाले जले ना, उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है ताकि मसाले जले ना एकदम से। वैसे मेरी फ्लेम तो जो मैंने जो है वो स्लो रखी है यहाँ पे, क्योंकि मसाला भूनते समय हमेशा ध्यान रखिए कि फ्लेम को स्लो रखें, अदरवाइज मसाले जलने का डर रहता है और रेसिपी आपका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ पे मसाले भुन चुके हैं अच्छे से, और अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है जो मैंने तुरई काट के रखी थी, उसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और इसे थोड़ा सा मैं मिक्स कर दे रही हूँ, एक अच्छा सा मिक्स देके इसे हम क्या करेंगे, ढक देंगे। तो हमें थोड़ी देर के लिए इसे ढकना है, लगभग आप 2 से 3 मिनट तक ढकिए। उसके बाद एक बार इसे ओपन करके देखिए कि ये देखिए कितना तुरई ने पानी छोड़ दिया है, इतना पानी रिलीज कर रही है। तो वो सब पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे सोया चंक्स, तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पकते पकते देखिए तुरई भी थोड़ा सा इसका जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो चुका है। तो तुरई इसमें, इसके बाद भी हमें लगभग 2-3 मिनट के लिए और ढक के पकाने हैं। अब यहाँ पे मेरा सीक्रेट आया, जो मैंने टमाटर मैंने बोला था मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। यहाँ पे जब लगभग तुरई 80% पक जाए तो आप चेक कर लीजिए, तुरई थोड़ा सा मतलब पूरी तरह से ना पकी हो, उससे पहले हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसे ढक के पकाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी एक लगभग टमाटर इसमें 5 मिनट बाद पक जाता है, तो टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें यहाँ पे फिर से ढक्कन लगा देंगे और पकने देंगे। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कश्मीरी लाल मिर्च, बिकॉज मेरे बच्चे छोटे हैं तो वो मिर्च नहीं खा पाते हैं ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा अच्छा कलर आए तो उसके लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला 1/4
एक चौथाई चम्मच मैं सब्जी मसाला इसमें डाल रही हूँ, तो बहुत ही टेस्ट इसका इन्हेंस हो के आता है। और मैं मिर्च जो है वो बाद में ऐड कर लूँगी, बच्चे जब मेरे थोड़ा सा बच्चों को मैं दे दूँ इसमें से, तो मैं बाद में हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, तो वो हम लोग खा लेते हैं उसको। तो अब इसे फिर से मैं ढक के थोड़ी देर पका लूँगी। लगभग 2-3 मिनट बाद आपका टमाटर बहुत अच्छे से गल चुका है और लगभग सब्जी आपकी बन के तैयार है। तो इसे आप सर्व कीजिए, रोटी के साथ खाइए और इंजॉय कीजिए। अगर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।